इस मेहनत की जरूरत है और ये जिहाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर जिहाद के बारे में फरमा दिया कि हर वो मेहनत, हर वो कोशिश जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो वही जिहाद होगा। लिहाजा इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए आप जो भी हिकमत आमली बनाएं, जद्दोजहद का जो मनहज आप अपनाएं, मेहनत का जो मनहज आप अपनाएं, उसी को जिहाद कहा जाएगा। जिहाद के लिए कोई खास तरीका मुतय्यन करना, ये भी तो इल्मी लिहाज से हमारी समझ से बालातर है। मैं भी तो कुरान सुन्नत का एक तालिबे इल्म हूँ, मैं भी तो इन मदरसों से फारिग हुआ हूँ, इन्हीं असातिज़ा से मैंने पढ़ा है। तो इस कस्म की चीज़ों पे आखिर हमें क्या पड़ी है? हमें इस्लाम से तो झगड़ा नहीं है, कोई इस्लाम की बात करता है सलाम खूंपे, लेकिन जिहत नज़र पर इख्तलाफ हो सकता है। क्या इस हद तक जाना? अब पाकिस्तान में कराची से लेकर, बदीन से लेकर, तुर्बत से लेकर, केच से लेकर और वो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल तक आप जाएं, इतने तूल अर्ज में मदारिस का जाल बिछा हुआ है, उलमाए किराम का जाल बिछा हुआ है, तंजीमें हैं, फिर मुख्तलिफ मकातिब फिक्र हैं, इतनी इज्तिमाई राय के साथ ये तमाम मजहबी तबका, ये उलमा, ये मदारिस आपके मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं, आपके मुल्क के निज़ाम के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, ये हुज्जत नहीं है तो फिर और क्या है? कौन हुज्जत है फिर? वो जो मायूस हो गए, वो जो जज्बाती हो गए, वो जो मरने मराने पे आ गए, वो हुज्जत हो जाते हैं? कुछ तो हमें बात समझनी चाहिए, हम अंधे तो नहीं हैं, हमारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ है, हम उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और सियासत का रास्ता अपनाया हुआ है, वरना तो इस्लाम की खिदमत तो मुख्तलिफ तरीकों से होती है। तालीमुल अहकाम जिसे हम शरीयत कहते हैं, तहजीबुल अखलाक जिसे हम तरीकत कहते हैं, तंजीबुल अमाल जिसे हम सियासत कहते हैं, ये तीनों चीजों का आपस में रब्त है। रब्त शरीयत, तरीकत और सियासत, अगर शरीयत महज हो और तरीकत और सियासत मुआविन नहीं तो ये तंगनजरी पैदा करते हैं। ये हुजर में बैठे हुए मौली साहबान उस्ताद नहीं होते, बड़े तंगनजर होते हैं, इनसे शिकवा नहीं करना चाहिए, इनका माहौल तंगनजरी का है। और अगर तरीकत हो और शरीयत नहीं है तो फिर ये रहबानियत पैदा करते हैं और रहबानियत इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो कमरे से बाहर सहन में आओ, सहन से बाहर गली में आओ, गली से आगे मोहल्ले में आओ, मोहल्ले से आगे शहर में आओ, शहर से आगे मैदानों पे छा जाओ, पहाड़ों पे छा जाओ, जंगलों पे छा जाओ, दुनिया पे छा जाओ। वलकद करमना बनी आदम وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम आपको अता किया है? हमने इंसान को शरफ व एहतराम अता किया है और खुशकी और तरी पर उसको हाकिमियत दी है। और दुनिया की पाक चीजें उनके लिए बतौर रिज्क हमने मुतय्यन कर दी, खाओ पियो।
कुलू वशरबू, ये तरगीब नहीं है, अल्लाह का हुक्म है कुलू वशरबू, लेकिन ज्यादा ना खाओ पियो, वला तुसरिफू साथ लगा हुआ है, जितनी जरूरत हो वो ठीक है बस। अल्लाह किनात नसीब फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप इन उसूलों को सामने रखें और फिर देखें, हमारे मुल्क में सियासी पार्टियां हैं, उनके भी नजरियात हैं, उनको भी हमें उस नजर से देखना चाहिए। मुमकिन है वो कुरान सुन्नत का हवाला ना दें, लेकिन अगर वो कुछ कहते हैं और वो कुरान सुन्नत से मुतसादम नहीं है तो बात चल सकती है, मुजाकरा हो सकता है, गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कुफर कुफर की बातें शुरू कर दें, फतवों की सियासत शुरू कर दें। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारी तारीख, हमारी माजी, 100-200 साल पहले की माजी बर्रशगीर में यह आजादी के लिए थी। और जब हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि मगरब की कानूनियां तो दुनिया में और भी हैं, आप सिर्फ बर्रशगीर की आजादी की जंग क्यों लड़ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि बर्रशगीर से अगर अंग्रेज के फिर दुनिया में कहीं पर भी वो अपने कदम मजबूत नहीं रख सकेगा। वो बरतानिया जिसके बारे में किसी जमाने में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, आज इन्हीं अकाबरीन और असलाफ की जद्दोजहद के नतीजे में बरतानिया इतना सिमट गया है कि उसमें सूरज तुलू नहीं होता। इसी नजरिए के असास पर हमने फितने का मुकाबला किया है। फितना फितना होता है, मिल्लत का इज्तिमाई फितना, कौम का इज्तिमाई फितना, हमने मैदान सियासत में उसका मुकाबला किया है। किसी जमाने में मुझे यहां तक कहा गया कि बाहर से पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा आएगा, गली गली कूचे कूचे तक जाएगा और आपके मस्जिद तक पहुंचेगा और आपके मौलवी और इमाम तक पहुंचेगा, तो कोई मौलवी भी आपके साथ नहीं रहेगा। ये मुझे धमकी दी गई थी, मैंने कहा तवक्कुल बर खुदा। आज मौलवियों का शायद कोई कचरा उसकी तरफ हो, इसीलिए मैंने आपके आपसे उस वक्त भी कहा था कि इसको जमाती तकसीम से ताबीर मत करें, इसको जमात के अमल तथहीर से ताबीर करें। और क्या वो सब कुछ साबित नहीं हुआ? अब आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क की अदलिया बहुत अच्छी अदलिया है, अगर उनके लिए आधी रात में कोर्ट खोले और उनकी जमानत कराए, लेकिन अगर वही अदलिया उसको आईन शिकन कहे तो फिर अदालत की किस्मत पे गालियों के अलावा कुछ नहीं है।
अदालत की तरफ से आप आईन शिकन साबित हो चुके हैं, सबको चोर चोर कहते रहे, जब कुछ नहीं मिला तो कहता है मुझे तो आईएसआई वाले कहते थे कि ये चोर है, ये चोर है, तो मैं तो इसलिए वजह से चोर चोर कहता रहा जी। ये हमारा सियासतदान है। लेकिन आपके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित किया है कि आप चोर हैं, महाचोर, और इसराइल से पैसा लिया, इंडिया से पैसा लिया, अमेरिका से, यूरोप से पैसा लिया, बाहर से पैसा लेकर हड़प कर गए। ये तो आप पर इदारे ने साबित किया है, ये तो हमारा इल्जाम और बोहतान नहीं है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला और खुद अब इलेक्शन कमीशन को गालियां मिल रही हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आरटीएस को बंद करके आपके लिए धांधली करके आपको इख्तदार में लाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आपको कहे कि नहीं तुम चोर हो, तुमने पैसे लिए और छुपाए, तो अब वो इलेक्शन को रोज गालियां दे रहा है। इदारे बिक गए हैं, अब उनको गालियां मिल रही हैं। और फिर आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर फौज जानिबदार है, एस्टेब्लिशमेंट जानिबदार है, तो फिर वो जबरदस्त है। लेकिन अगर वो कहते मैं गैर जानिबदार, बस मैं अपने इलाके में वापस जा रहा हूं, उसके बाद उनको गालियां देने शुरू हो जाती हैं। उनको कहते हैं न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल, तो जानवर होता है। अब हमें तो पता था, आपको याद होगा वो किसी जमाने में मैंने एक बात कही थी, वो एक वीडियो क्लिप आया था मेरे पास, उस स्टेरिंग के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है या। तो बात यह है कि अब तो वो खुद कहता है, सबर सबर बात को समझने की कोशिश करो, अब तो वो खुद कहता है कि मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मैं तो ऐसी स्टेयरिंग पे बैठा। पीछे ड्राइवर तो कोई और चला रहा था, वो बंदर की तरह बैठा हुआ है, समझ रहा था कि शायद मैं चला रहा हूं। अभी हकीकत खुल गई या नहीं खुली? और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उनका अपना सदर मुमलकत, अपना सदर मुमलकत अलवी साहब, वो कहता है कि इमरान खान को हटाने में कोई साजिशकार फरमाना थी। अब क्या करोगे? वो कहता कोई साजिश नहीं हुई। कागज उठाया और कहा ये कागज साजिश है। कागज साजिश होती है? अच्छा, अब कागज किधर है? वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए पूरे मुल्क की हुकूमत खत्म हो गई, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इतना अहम दस्तावेज। अभी इंटरव्यू में कहता है मुझसे गुम हो गई है, मुझे पता नहीं।
मैं नहीं कह रहा तो सफर कर अपना यू टर्न गिन गिन मैं नहीं कह रहा, आपका अपना सदर मुमलकत कह रहा है अलवी साहब, अलवी ठीक कह रहा हूं ना वो कहता है कि ये हवास बाख्ता हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा है आपके अपने सदर मुमलिकत ने कहा है कि अपनी बातों का जवाब वो खुद दे, मैं उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो अब तो शहीद शाहिद मिन अहली घर का भेजी निकल आया, खुद अपने ऊपर गवाही दी कि मैं हुकूमत नहीं कर रहा था, असल कंट्रोल किसी और के हाथ में था। खुद कहता है मेरी मालूमात नहीं थी, ये मुझे कहते थे। अब कोई आपको कुछ कहे आप किसी भी इल्जाम लगा दें, क्यों? इदारे हैं, इदारे अपना काम करें। नेब मौजूद है, तो ताकतवर और मजबूत नेब। अगर हम इंतकामी सियासत करते तो हम जरूर आपस में बैठकर ये सोचते कि यार ये नेब के कवानीन में अभी तब्दीली नहीं करनी, उसी तरह नेब रहे ताकि हम उसको पकड़े, 90 दिन तक कोई पूछ भी ना सके उनको। लेकिन हमने कहा ये एक चीज गलत है, इसको ठीक हो जाना चाहिए। हमने इख्तदार में आते ही इसको ठीक किया है, ये नहीं सोचा कि आपको फायदा मिलेगा उसका। ऐसी मखलूक से वास्ता पड़ा हुआ है और फिर रहा है, पता नहीं लोग कैसे सुनते हैं उसको। दस या जुबर शायद है, माल इमरान खान प्लार दा और जामन जा सर साथी मोर तय वाला कड़ल। और खजा पीर निदा आगा जामन बची जान सर अनु साथी आगा लाडो प्लार तय वाला कड़ल। नो प्लार जामन मोरता वाला कड़ल, खजे जामन प्लार तय वाला कड़ल, उस्ताद मां बचो कम गई।